नमस्कार। नुआ सकाळे सबु चासी भाई भूनी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को स्वागत करूछि मुस्निग्धा। उन्नत मानर चाष पई जमीर गुणवत्ता परीक्षा करबा जरूरी। सेति पई जमीरु माटीर नमूना संग्रह करी ताकु परीक्षा कराइले फलाफल अनुजाई माटीरे उपयुक्त उर्वरक इत्यादि मिसाई जमीर मान वृद्धि करागले चाषर मान उन्नत होइथाय। एही वीडियो रे जमीरु मृत्तिका संग्रह प्रणाली विषय रे कुहा जायछि। आसंतु जानिबा। केन्द्र सरकारक नियम अनुसार आम जलसेचित जमि अढ़े हेक्टर जमि गोटे नमूना माटी संग्रह करूँ एवं अणजलसेचित जमि प्राय दस हेक्टर एक नमूना माटी संग्रह करने आमर अच्छी तेनाली दस हेक्टर जल अणजलसेचित जमि एवं अढ़े हेक्टर जलसेचित जमि गोटे नमूना माटी संग्रह करूँ। प्रथम आम जिते बड़े गोटे अंचल को जाऊ से चाषी भाई मान अवगत कराई जे तुमर आज मृत्तिका संग्रह होने और थे तेणु गोटे कंपाक्ट पैच जिते बड़े अढ़े हेक्टर जमी आम काल्पनिक उपाय जिग्जाग उपाय आम दस रु बार जगह को चिह्नट करी जलसेचित जमी होढ़ई हेक्टर जमी होते से अढ़ई हेक्टर जमि काल्पनिक भाव में दस रु बार जगह आम चिह्नट करें जिते बटी संग्रह कर समस्त चाषी भाई मानक जे आपणकर अमल पर मटी परीक्षा करने नित्यांत प्रयोजन तेणु जिते बड़े से मानकर अमल हो जाऊँगी जमी खाली पड़ था से समय आम मटी संग्रह करूँ। साधारणतः एप्रिल एवं मे मस रे माटी संग्रह करिबा एक भल पदक्षेप तेणु जिते बेले आम एप्रिल मस रे धरा जाऊ आम गोटे अंचल को जाऊ से जमीटा जदि जलसेचित होइथिबो अढ़े हेक्टर जमीरु काल्पनिक उपाय दस बार जगह को चिह्नट करूँ से दस बार जगह को परिष्कार काठी कुटा घास गोड़ी खपर पथर जहाँ थी परिष्कार करदे एवं माटी परीक्षा करने आमको कोड़ीटे गोटे दरकार ता सहित जरी मुणा दरकार एवं ता सहित गोटे स्केलटे दरकार ता सहित आमर जो अच्छी अक्षांश द्राघिमा जानवापी से इंस्ट्रूमेंट आम गोटे तेणु जिते बड़े माटी संग्रह करू आम प्रथम अक्षांश द्राघिमा ताको लिपिबद्ध करथाउ। आउ गोटे आपण मानक कही रखुची जिते बड़े आपण माटी संग्रह करिवे चेष्टा करिवे चारोटी जगह को बाद दे कि माटी संग्रह करिवाक पड़िबो। प्रथम कथा हला हिड़ पाखरु केबे माटी संग्रह करिवे नाही हिड़र दुई फुट छाड़ी कि माटी संग्रह करिवाक पड़िबो। द्वितीय कथा हला जदि जमी मझीरे गोटे बड़ गछ अच्छी बड़ गछ अच्छी गछ छाई पाखर माटी संग्रह करिवे नाही। जदि आम जमी मझीरे कोटी संसंतिया जगह अच्छी कोटी पानी जमी की रही से जगार माटी संग्रह करिबा ठीक नुहे। ता सहित आम विगत थर ता पूर्वर जो प्रकार चाष करथिले जदि आम खत गदा करिचे बा सार गदा करिचे से जगार माटी संग्रह करिबा ठीक हेबनी। तेणु ए चारोटी जगह को बाद दे कि आम जे कोनसी जगह को आम चिह्नट माटी संग्रह करने ता सहित जिते बड़े माटी संग्रह करूँ आम परिष्कार कर सारापर कोड़ी साहय गोटे भि आकार गात करूँ। जदि आम धान चाष कर छइंच पंदर सेंटीमीटर माटी संग्रह करदी आम कपा चाष कर आखु चाष कर लंका मरीचा चाष कर तीस सेंटीमीटर आम मटी संग्रह करदी आम आंब चाष कर पणस चाष कर प्राय पैंचाश सेंटीमीटर गभीर आम मटी संग्रह कर जमि में धान चाष करने जाऊे धान चाषपी धान गचर चेर प्राय पंदर सेंटीमीटर भितर को जाए तेणु पंदर सेंटीमीटर भितर मटीर कौन अच्छी खाद्यांश कौन अच्छी जदि आम जाना ताहले आमे अनुमोदित सार देपर तेणु जिते बड़े आम यहाँ को चिह्नट करजे माटी संग्रह करने अढ़ाई हेक्टर प्याच रु प्राय दस बार जगह आम चिह्नट करे भितर यहाँ गोटे तेणु ये चिह्नट कलु प्रथम कोड़ी साहय आम भि आकार गात करदेलु
ଏ ଗାତଟା ପାଖାପାଖି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଦାଢ଼କୁ ଲାଗିକି ଏହିପଟୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହିପଟୁ ଦାଢ଼କୁ ଲାଗିକି ଏହିପଟୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗାତ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ତାର ଦାଢ଼କୁ ଲାଗିକି ଏହିପଟୁ 2 ଇଞ୍ଚ ବଳରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଇଏ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ଇଞ୍ଚ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ହେବ। ଏମିତି 2 ଇଞ୍ଚ ବଳର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ସମାନ ଭାବରେ, ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ମାଟିଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 12 ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 12 କେଜି ମାଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ମାଟି ଉର୍ବର ମାଟି କି ଅନୁର୍ବର ମାଟି, ଆମ ମାଟିଟା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମାଟି କି ଭଲ ମାଟି, ଆମ ମାଟିଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମାଟି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇକି ପରିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏବଂ ସେ 12 କେଜି ମାଟିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ହେଉ ବା ବଡ଼ ତାୱାରେ ହେଉ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ଉପରେ ତାକୁ ଗଦା କରିଦେଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଖାପାଖି କିଛି ଖତ ଗଦା ନଥିବା ଦରକାର, ପାଖାପାଖି କିଛି ସାର ବସ୍ତା ନଥିବା ଦରକାର, ପାଖାପାଖି କିଛି ମାନେ ପାଉଁଶ ଗଦା ନଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ମାଟିଟା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ନହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରି 2 ପଇସା ପାଇଁ ହେଉ, ଚାଷୀ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ତ ମୌସୁମୀ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଗାଈଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅଧିକା ତଥ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବିତ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଟିକେ ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଓଦା କରିବେନି କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ରହିବେନି। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଜୁଳି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ଚରାଳିମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବି ହାନି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବାନ୍ଧିବା ନାହିଁ କି ବାହାରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ବଜବଜିଆ, ସାହାଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଇଫିମେରାଲ ଫିଭର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବା ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ରୋଗ କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବଜବଜିଆ ରୋଗ। ବଜବଜିଆ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ମାଂସାଳା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଏହି ରୋଗ ବୟସ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାଟିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର, 104 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ କିମ୍ବା 105 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ମାଂସାଳ ଜାଗା ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଘ, ଆଗ, ଫଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜାଗା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲି ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଲପେଟ୍ ବା ହାତରେ ଦବେଇଲେ ବଜବଜ କରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଜବଜିଆ ରୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଲିଭର୍ ମାନେ ଭିତର ପେଟର ଭିତର ଅଂଶ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଗାଈର କୌଣସି ଜାଗା ନ ଫୁଲିକି ମଧ୍ୟ ପେଟ ଫମ୍ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ଏଇଟା ବଜବଜିଆ ରୋଗ କି ପେଟ ଫମ୍ପା ରୋଗ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଖିଲେ ତା'ର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜବଜିଆ ରୋଗ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ଥାଏ,
एवं जेतेले रोग आगू आगू बढ़ी थाए तार टेम्परेचर तापर को कमी कमी आसी थाए एवं बेले बेले टेम्परेचर तार नॉर्मल टेम्परेचर ठारू गाई गोरु रो टेम्परेचर सब नॉर्मल को पड़ जाए आ से समय गाई गोरु को बचाइबा कष्ट होई जेते तेणु जदि आपण माने ए रोग रो लक्षण देखुचंती संगे संगे पशु चिकित्सक को डाके एंटीबायोटिक एवं अन्यान जो तंगरो चिकित्सा अछि से चिकित्सा सुविधा कराइबे आउ यही रोग पई निराकरण पई पशुपालन विभाग तरफ आमर टीकाकरण करा जाउछि ए टीका वर्ष को दुई थर करा जाय थाए एवं प्रथमे थरे गोटे डोज टीका दिया जाय थाए एवं तार बूस्टर टीका 10 दिन पर दिया जाय थाए गाई गोरु मानकर साहाणा रोग साहाणा रोग एक श्वास प्रक्रिया जनित रोग यह मध्ये एक जीवाणु जनित रोग है यही रोग संक्रमण हेले गाई गोरु मानकर श्वास नली एवं फुसफुस आक्रांत होता है गाई गोरु गुड़िक जितेबाड़ जोर होता है आम कह चाषी भाई मैंने साधारण कहते हैं शखी फुला व तंटी फुला बोली साहाणा रोग को कारण यही रोग से तंटीर तल भाग जोटा आम रहा तंटीर तल भाग से फुली जाए पा जमी थाए आम फुसफुस तेणु बेले बेले घड़ घड़ शब्द कर गाई निश्वास प्रश्वास निए तेणु ये रोग एक मारात्मक रोग ए रोग पड़े जदि तुरंत आम चिकित्सा नक ताले गाई मृत्युमुखर पड़ता है तेणु यार चिकित्सा आम तुरंत प्राणी चिकित्सा अधिकारी की डकई तुरंत आंटीबायोटिक चिकित्सा करवा उचित यार टीकाकरण यही टीकाकरण वर्ष को दुई थर कर मानने छस को थे आउ गोटे रोग जहाँ मुझे इफेमेराल फीवर ताकू इंग्लीश रे इंग्राजी रे कहती ओडिया रे आमर साधारणतः केतक स्थानीय भाषा पांच ओडिया बा अढ़ई दिनिया ज्वर कही या गोटे जमी आमर पाड़ी ज्वर हुए से ही पाड़ी ज्वर या गोटे भूताणु जनित रोग या ठीक वर्षा आ खरार संगम समय होता है यही रोग गोटे आमर बाहक होता है डांस मैंने यही डांस कामुड़ा द्वारा यही रोग गोटे गाई रू अन्य गोटे गाई की व्यापी थाए यही रोग हेले गाईर अत्यधिक ज्वर होता है बेले बेले 106-107 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत टेम्परेचर जाए गाई गोरु गाई गोरु देह हाथ बहुत घोड़ा बिंधा होता है तेणु से पड़ती आ उठवा बहुत कष्ट हुए बेले बेले एमती सोई रही कि शेष को मृत्युमुखर पड़ी था तेणु तुरंत आम प्राणी चिकित्सा अधिकारी परामर्श कर आमर यही घोड़ा बिंधा आनालजेसिक औषध एवं आंटीबायोटिक औषध दे गाई गोरु गुड़ी तुरंत आम चिकित्सा करवा नचे गाई गुड़िक बेले बेले पड़ जाए कि आउ उठिन पारे मृत्युमुखर पड़ता या छड़ा बर्षा दिने आम गाई गोरु मान उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था पर आम परिमल व्यवस्था को भी ठीक करवा दरकार तेणु प्रतिदिन गुहाल को आम गोबर मूत्र गुड़ा सफा करवा उचित ता सहित जदि मशा डांस चारिड़े होती गुहा चारिपाख जो गच लता वृक्ष अरमा रहा सेगुड़ सफा कर आम विशोधक द्रव्य पकाइबा उचित जमीक फिनाइल है ब्लीचिंग पाउडर है सेगुड़क पकाइबा उचित ता सहित गुहाल को सुखिला रखा उचित एवं जदि गाई गोरु ओदा रोचे तुरंत आणिक गुहा रखी सुखेबा व्यवस्था करवा उचित कारण गाई गोरु जदि ओदा रे रोग प्रतिषेधक शक्ति कमी थाए एवं ता सहित विभिन्न प्रकार वर्षा जनित जीवाणु और भूताणु जनित रोग आक्रांत करता है या छड़ा यही वर्षा दिने मशा डांस एवं टिंक उंकुणीकर भी प्रादुर्भाव बढ़ी थाए तेणु गाई गोरु मानक आम से रक्षा करने संध्या समय आमर गाँवली हिसाब से धूआं देवा उचित किंवा आम चारिड़े मशा माछी नाशक औषध आमर जो विषधक औषधक अच्छी ताको स्प्रे करिया उचित भारत एक कृषि प्रधान देश आज बिना खाद्य रे केही बंची पारिबे नाही खाद्य एक मुख्य प्रधान जिनिस सेही खाद्य पई आज चासी कुल बहुत तत्पर पूर्वरु आम चासी भाई माने पारंपरिक पद्धति रे करि आसुथिले जैविक चाष जमि रे रासायनिक सार देबा आरंभ हैला नुआ पद्धति ओ नुआ किसम व्यवहार करा गला जहा द्वारा अमल बढ़िला किंतु ठीक भाबरे जमि रे सार परचालना न हेबारु माटी दूषित हैला ओ अमल मध्य कमिबारे लागिला जदि चासी माने फसल रे वैज्ञानिक पद्धति रे सार परचालना करिबे ताहेले भल अमल मिले फसल रे किपरि भाबरे सार परचालना द्वारा भल अमल मिले से विषय रे आसंतु जानिबा पूर्वरु जो रासायनिक सार सब माने 60 दशक परे बा ग्रीन रिवल्यूशन टाइम रे जो सारर व्यवहार हला सेतेबेले एतेटा कुप्रभाव पड़ी नथिला किंतु कालक्रमे चासर
व्यवहार बा रिक्वायरमेंट अनुसार लोक माने ठीक दिग को न जाय निज इच्छा मुताबक सार प्रयोग करबा को लागिगले जहाँ फल विभिन्न प्रकार असुविधा आसला एवं केवल कालक्रमे कौन है आमर जो जैविक खत ताकू विलुप्त होगा बसला व्यवहार कले जी रासायनिक सार तारी पर निर्भर कले जहाँफल मटी आमर बहुत खराब हो गला एवं रोग पक बहुत लगला से आमकू दृष्टि रखिकी मैनेजमेंट करने को पड़ो अर्थात केवल रासायनिक सार नदी जैविक खत अति कम्रे शतकड़ा पचीस भाग दबा को पड़ो एवं रासायनिक सार को मैक्सिमम बा सबुठ अधिक पर्यंत आम पचस्तरी भाग पर्यंत जापर गच्छर खाद्य साधारणतः अति कम्रे सतरटा मुख्य तार खाद्य पदार्थ निहाती दरकार जोटा को कही आम एसेंशियल प्लांट एलिमेंट जदि प्रथम देखा खत आजिकल गाई गोर संख्या कमीगला खत कमीगला से चाषी मान कहने कंपोस्ट प्रिपेरेसन करूँ विभिन्न प्रकार कंपोस्ट प्रिपेरेसन रो मेथड अच्छी तेणु से ही मेथड रे बुझिकी कंपोस्ट प्रिपेरेसन करके दिंतु ता छड़ा बजार रे एबे जैविक खत बा जो आमर बायो फर्टिलाइजर जोटा कहे बायो फर्टिलाइजर जीवाणु सार प्रचुर परिमाण सबुआड़े मिलला लिक्विड बायो फर्टिलाइजर आसमर पाउडर रे जो बायो फर्टिलाइजर लिग्निन बा चारकोल पाउडर रे तैयारी होगी जमीती राइजोबियम कल्चर आरबीसी आजोटो बैक्टर आजो स्पिरिलम पीएसएम बा पीएसबी पोटासिक मोबिलाइजर आसीटो बैक्टर ये सब जिनस मिलू आकू व्यवहार करवा बहुत सहज एमती कि कष्ट नुह आरबीसी आपणकर जी तैलबीज जातीय डाली जातीय ये सब फसल बिहन विष बिहन गुड़िकपर आजोटोबैक्टर आजो स्पिरिलम ये जबक्षारजान दौर एक बैक्टीरिया जोटा कि से कल्चर मीडियम रे थाए बाकी छड़ा जाए था से मानकर जीवन काल ये जीवाणु मानकर छमास तेणु मैन्युफैक्चरिंग डेट बा तार केबे तैयारी हला सही तारीख बहुत जरूरी जानी चाषी मान जानवा जरूरी तापर कारण छमास रोचे छमास पर संख्या आस्ते आस्ते कमिज तेणु छमास भितर आम प्रयोग करवा एक बैक्टीरिया वायुमंडल जो अठस्तरी भाग जबक्षारजान रही आणिकी से गु जबक्षारजान जगै दिंती पीएसएम बा पीएसबी फस्फरस सल्युबुलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा फस्फरस सल्युबुलाइजिंग बैक्टीरिया तो से फस्फरस को गच्छ को भल भाव जगै दिंती जोटी एभेलेबुल मिल पार नई जगार ही एभेलेबुल कंडीशन को आनी दिंती पोटासिक मोबिलाइजर सी भी एक प्रकार जीवाणु सार जी कि पोटास को सहज सुलभ एवं सुलभ कर दिए गच्छ को ताकू दबा को हेले विभिन्न उपाय देहब मंजी गोलैकी देहब मंजी विशोधन भाया भाविकी ता केजी पिछा 20 ग्राम पर केजी अर्थात 20 ग्राम लगे गोटे किलो बिहन को तेणु 10 किलो जदि बिहन तेल 200 ग्राम हेले आमको 10 किलो बिहन रे गुलेकी देहब से टिके पानी बा गुड़ दे भल भाव गुले अठाड़िया भाया हो मंजी को तादे गुले छाई में सुख जमीन आम बुणी पार जदि ताबी नक आम गोटे पात्र रे पानी नहीं से थिरे से कल्चर को छाड़ी एवं कला हो गला गच्छ को उपाड़ी भल भाव धोई तार चेर को से पानी रे बुड़े मिनिमम 10 मिनिट रु अध घंटे जाए बुड़े रखी पर जमीन लगे पारिबा सेमती आपण जदि ताहा भी न करिसंती ताले डायरेक्ट जमीन लगा हो सारी खतरे मिसेकी जमीन बुणिकी देपारे खतरे भल भाव गोल ताकु गोटे 48 घंटा गोटे अखा ढांकी देले जीवाणु मान संख्या बहुत बढ़ी तापरे ताकु नहीं कि आम जमीन व्यवहार करी आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान कहा प्रश्नर उत्तर रही आसतु जानवा
आज अन्नदाता कार्यक्रम निःशुल्क फोन सेवा मध्यम गंजाम जिलार सोरडा ग्राम चाषी संतोष कुमार प्रधान से गेंडु फुलर चारा प्रस्तुति किपरि करा जाए से विषय किसी तथ्य जानवाक चाहते आसतु जानवा आम प्रस्तुति चाष करने पूर्व आम आर चारा प्रस्तुति एवं आर जो कटिंग्स रही विषय आम निहाती जानवा दरकार साधारणत ये मकमल्ली गच आम खराटिया शीत दिनिया बर्षा दिनिया एपरिक वर्ष सारा भी आम चाष करी मैंने साधारणत चारा गुड़िक सरकारी सरकारी दफ्तर रु ग्रहण करणत चाषी मैंने निजे भी से रेज करें साधारण शीत दिन में आम जदि कौन माँ गच जदि रखि ताकू प्रत वर्ष आम शीत दिन कटिंग्स डाल काटिकी आम लगे पार जहाँकि गोटे गचर आम प्राय 20-30 डाल भी बाहर ताकू आम चारा आम प्रस्तुति करें गच कर गेंडु चाष दुई प्रकार साधारण भाव आम दुई प्रकार कह साधारण गेंडु चाष मंजी रू भी होता है डाल रू होता है मंजी रू जो चाष करा जाए से मंजी रू शीघ्र आमर चारा बाहरी थाए एवं से चारा पटाली करने आम प्रथम गोटे पटाली करवा 1-1.5 मीटर बा 3-4 मीटर ओसार एवं 1.5 फुट उच्चारे आम गोटे पटाली करवा एकपर 5-10-12 पटाली करवा आम अनुसार मंजी गुड़िक आम आणवा गेंडु मंजी गुड़िक ये पटाली तैयार करवा पटाली प्रथम यही भर्मी कंपोस्ट जिया खत को आम उन्नत भाव मिसेक आम पटाड़ी तैयार करवा पटाड़ी फॉर्मालिन आम पकई ताकू आम विशोधन करवा एवं परवर्ती अवस्था ये मंजी को कैप्टन बा थीराम दे आम विशोधन करवा परवर्ती अवस्था मंजी छोट होती बाली मिसे आम धाड़ी धाड़ी 5-6 सेंटीमीटर व्यवधान में आम जदि पकेबा तेज परवर्ती अवस्था ये मंजी रु गजा हो से चारा उत्पादन होता है चारा उत्पादन हाँपाई प्रथम आम घोड़े रखा पड़ो जहाँ जोटा हार्ड सीड कोट ताकू घोड़े 2-3 दिन रखा पड़ो हाँपर चेर गुड़िक गुड़िक बाहर था परवर्ती अवस्था ताकू आम निज पटाड़ी आम लगे जहाँकि गजा है बर्तमान चेर है चेर हाँपर यहीटा को नहीं आम जब चाष करवा चाष कला से माँ गच आस एटा है छुआ गच आसला बर्तमान माँ गचरे आसब तार व्यवधान रस रु 15 फुट दूरतार आम आसब जहाँ कि गचर ग्रोथ हम ये गच बढ़ापर आम प्रत्येक गचर पुणी आउ थे कटिंगस आम व्यवहार करवा एपरिक कटिंगसटा को जब आम व्यवहार करवा तेब से कटिंगस भी जब आम गच लगे तेब से भी गच होता है आपण समस्या किंवा मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह 4-5 आ नंबर है 1800-419-2155 समय इशारा दे कार्यक्रम को ये रखुचु कल आउ कि नुआ तथ्य नहीं आसबू देखा जमार भूल ठीक यही समय विदा दियंतु नमस्कार।